तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रेडमी वाटर को डिवाइस यूज कर रहा हूँ और इसमें हमें ऑफिशियल मीवा 12 की जो लॉन्चर है उसमें एप्रोवर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये अपडेट देखने को नहीं मिली। देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर, आप लोगों ने रिप्लाई कर रहे हैं कि आपको नहीं मिला अपडेट। और अगर मैं आप लोगों को इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत से लोगों के कमेंट आई है कि उनको ये अपडेट देखने को नहीं मिला। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, आप लोगों को ये अपडेट क्यों देखने को नहीं मिला उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइक्स की टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स, तो आशा करते हैं और आप लोगों से उम्मीद भी आप लोग इसे जल्दी ही पूरा कर देंगे। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आप लोगों को एक कल वीडियो बनाकर दिखाया था कि हमारे रेडमी वाई 12 में ऑफिशियल मीवा 12 की जो लॉन्चर उसकी अपडेट हमें देखने को मिल गई थी, इसमें आप लोगों को ऐप ड्रॉअर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऐप ड्रॉअर को भी यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं सेटिंग में लेकर आप लोग यहाँ पर सिस्टम ऑपरेटर में दिखा देता हूँ, तो उससे पहले मैं आप लोग अबाउट फोन में दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को रेडमी वाई 2 देखने को मिल जाता है। और सिस्टम अपडेट में दिखाता हूँ तो आप लोगों को, मैंने यहाँ पर अपडेट ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे यहाँ पर अपडेट मिल चुका था। और मैं यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर दिखा देता हूँ तो हमारे अपडेट हिस्ट्री में देखने को मिल जाता है। और ये आज हमें स्क्रीन रिकॉर्डर का भी अपडेट देखने को मिल जाता है 24 तारीख को। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूंगा कि हमारे डिवाइस में ये ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली थी और आपके डिवाइस में क्यों अपडेट देखने को नहीं मिली है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को सेटिंग में लेकर यहाँ पर दिखा देता हूँ एप्लीकेशन में जाने के बाद, अगर मैं आप लोगों यहाँ पर मैंने ऐप में जाने के बाद लॉन्चर में लिया तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने अपने फोन में लॉन्चर को कहाँ से अपडेट किया, कहाँ से इंस्टॉल किया। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस वाले बटन पर टैप करता हूँ, इन्फॉर्मेशन बटन पर टैप करता हूँ। तो टैप करने के बाद देख सकते हैं आप लोगों को जो लास्ट अपडेट सोर्स देखने को मिलती है वो सिस्टम ऐप अपडेट है। यानी मैंने अपने फोन को यहाँ से जो सिस्टम अपडेटर एप्लीकेशन है, जो सिस्टम अपडेटर वाली प्रोसेस है, मैंने वहां से अपडेट किया है। तो मेरे फोन में ये ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली और आपके फोन में ये अपडेट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी तो मैंने उस टाइम आप लोगों को बता दिया था कि ये अपडेट जो देखने को मिली वो आप लोगों को पार्शियल अपडेट रिलीज हुई है। तो इसकी अपडेट मैंने आप लोगों को 22 जून को ही दे दी थी, 22 जून को रात में 10:30 बजे मैंने आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तब अगर आप लोग अपने फोन में चेक किए होते तो आप लोगों को आपके फोन में अपडेट देखने को मिल चुकी होती। लेकिन जो लोग अपने फोन में इसे अपडेट नहीं किए हैं या फिर पोस्टपोन कर दिए अपडेट को, वो बाद में करेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा MIUI की अपडेट हो या फिर MIUI सिस्टम एप्लीकेशन की अपडेट हो, वो हमें पार्शियल रिलीज में देखने को मिलती है। यानी अगर आप लोग अपने फोन को अपडेट नहीं करेंगे, जब आपके फोन में OTA देखने को मिलेगी, जब आप लोग अपने फोन में उस वक्त अपडेट नहीं करेंगे, तो ये अपडेट जो है वो उनके सर्वर से रिमूव हो जाता है। इसी वजह से आप लोग अपने फोन में इसे अपडेट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आपके फोन में ये अपडेट शो नहीं करता। लेकिन फिर भी आप लोग अपने फोन में इसे अपडेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो रेडमी वाई 2 डिवाइस में जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यहाँ पर हमें ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली है। मैं कोई भी साइड लोड नहीं किया हूँ, अगर मैं साइड लोड किया होता फ्रेंड्स तो आप लोग यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यानी लास्ट अपडेट सोर्स यहाँ पर लिखा था कि मैंने अपने फोन में यहाँ पर APK का इंस्टॉल किया है, लेकिन जैसा कि देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सिस्टम अपडेटर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यानी मैंने अपने फोन में जो लॉन्चर को इंस्टॉल किया है वो ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली है, वो मुझे OTA के थ्रू अपडेट देखने को मिली है। और जो अपडेट सोर्स देख सकते हैं आप लोगों को, यही सिस्टम अपडेटर में देखने को मिल जाती है। और जैसा कि मैंने 10:30 बजे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, 22 तारीख को मैंने अपने फोन में इस एप्लीकेशन को, इस लॉन्चर को अपडेट किया था 10:26 में। और इस अपडेट करने के 2-3 मिनट के अंदर ही मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो इसी वजह से अगर आप लोग लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं अपने ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, और कम्युनिटी पर मैं अपडेट करता रहता हूँ जैसा कि यूट्यूब की। अगर आप यूट्यूब के इस कम्युनिटी सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहती है कि जो भी अपडेट आती है, जो भी न्यूज आती है, मैं आप लोग यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, यहाँ पर भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप लोगों की अपडेट देखने को नहीं मिली। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपडेट पार्शियल रिलीज हुई है, इस वजह से आपके फोन में देखने को नहीं मिली है। और जब भी इसके नेक्स्ट अपडेट आएंगे तो मैं फिर आप लोगों को अपने इसी कम्युनिटी चैनल पर अपडेट कर दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग इन दोनों जगह एक्टिव रहा करिएगा ताकि मैं जैसे कोई भी अपडेट को, इन्फॉर्मेशन को ऐड करूं, आप लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले देखने को मिल जाए।